नमस्कार, मैं प्रिया। आज 29 सितंबर, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार विधानसभा चुनाव में लगाए जाएंगे केंद्रीय सुरक्षा बल के 30,000 जवान। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी है। वहीं चुनाव को सफलतापूर्वक करवाने के लिए 30,000 जवानों को लगाने की बात कही गई है। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्रीय सुरक्षा बलों को दे दी गई है। बिहार में होने वाले आगामी बिहार विधानसभा चुनाव केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच करवाए जाएंगे। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि बिहार में चुनाव संपन्न कराने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और रेलवे सुरक्षा बल की 300 कंपनियों को तैनात किया जाएगा, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से सुनिश्चित करवाया जा सके। बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा मूल्यांकन के लिए कई स्कूल में शिक्षक सूची नहीं की अपडेट। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा 2021 में मूल्यांकन के लिए कार्यरत शिक्षकों की सूची तैयार करने का आदेश जारी किया था। इस सूची को हर स्कूल की बोर्ड वेबसाइट पर जाकर अपडेट करना था, लेकिन इसमें प्रदेश के ज्यादातर स्कूल लापरवाही बरतते नजर आए। बोर्ड के बार बार कहने के बावजूद अभी तक 10,784 में से मात्र 3,224 स्कूल ने शिक्षकों के नाम भेजे हैं और सूची को अपडेट किया है। इसमें मैट्रिक में 7,317 में से 2,485 स्कूल शामिल है। वहीं इंटरमीडिएट के 3,467 में से 740 स्कूल का नाम शामिल है। बाकी 7,560 स्कूल ने अभी तक अपडेट नहीं दिया है। पटना स्नातक और शिक्षक निर्वाचन की अधिसूचना हुई जारी। पटना निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान परिषद के पटना स्नातक और शिक्षा निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही पटना, नालंदा, नवादा में आदर्श आचार संहिता संपूर्ण क्षेत्र में लागू हो गई है। इस बात की जानकारी पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने बीते दिन साझा की। उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन कर बताया कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा निर्गत अधिसूचना के आलोक में निर्वाचित पदाधिकारी पटना स्नातक और पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसके अनुसार नामांकन की अंतिम तारीख 5 अक्टूबर निर्धारित की गई है। NTPC बाढ़ में Stage-1 की पहली यूनिट में भी उत्पादन हुआ शुरू। NTPC बाढ़ थर्मल पावर परियोजना का Stage-1 की पहली यूनिट उत्पादन की तैयारी हो चुकी है। शिलान्यास के 21 साल बाद इसके सिंक्रोनाइजेशन का काम रविवार तक पूरा हो गया है। साथ ही 36 मेगावाट तक बिजली उत्पादन भी हो चुका है। अब इस यूनिट का ट्रायल उत्पादन शुरू होगा। 3 महीने के अंदर वाणिज्यिक उत्पादन होने लगेगा। इस तरह 90 दिन बाद बिहार को 342 मेगावाट बिजली मिलने लगेगी। बाढ़ NTPC में 660 मेगावाट की यूनिट है। इसमें दोनों इकाइयों में पहले से उत्पादन शुरू हो चुका है। Stage-1 का काम रविवार सुबह 7:32 पर वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में पूरा होगा। राजकीय प्रतीक चिन्ह डूब रहा बाढ़ के पानी में। हिमालय के तराई इलाकों में हुई बारिश के वजह से सभी नदियां फिर से उफान पर चल रही है और उनका पानी बिहार के पश्चिमी और पूर्वी कोने की तरफ तेजी से फैल रहा है। इसकी वजह से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर तक डूबे जा रहे हैं। भारत का राजकीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ पानी के आगोश में है। चंपारण के लौरिया का अशोक स्तंभ 1.5 से 2 फीट पानी में डूबा हुआ है। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,80,000 के पार। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 1,150 मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या 1,80,032 पर पहुंच गई। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 20, अरवल में 11, औरंगाबाद में 37, बांका में 9, बेगूसराय में 13, भागलपुर में 34, भोजपुर में 13, बक्सर में 9, दरभंगा में 34, पूर्वी चंपारण में 23, गया में 39, गोपालगंज में 33, जमुई में 24, जहानाबाद में 41, कैमूर में 8, कटिहार में 8, खगड़िया में 9, किशनगंज में 15, लखीसराय में 15, मधेपुरा में 30, मधुबनी में 31, मुंगेर में 16, मुजफ्फरपुर में 65, नालंदा में 42, नवादा में 15, पटना में 198, पूर्णिया में 101, रोहतास में 12, सहरसा में 23, समस्तीपुर में 41, सारण में 21, शेखपुरा में 1, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 23, सिवान में 16, सुपौल में 58, वैशाली में 26, पश्चिम चंपारण में 28। वहीं दूसरी तरफ ठीक होने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 1,66,188 मरीज ठीक हो चुके। वहीं 892 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार के 11 स्टेशन पर तैनात हुई स्टैटिक सर्विलांस टीम। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ट्रेन में नकदी की आवाजाही रोकने के लिए उत्तर बिहार के 11 प्रमुख स्टेशन पर स्टैटिक सर्विलांस टीम की तैनाती कर दी गई है। रेल SP ने अधिकारियों की तैनाती करते हुए टीम को ट्रेन पार्सल और यात्रियों की गहन जांच का आदेश भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही स्टैटिक सर्विलांस टीम में 3 वरीय अधिकारियों के साथ ही जवानों की तैनाती की गई है। चुनाव को देखते हुए स्टेशन पर स्टैटिक सर्विलांस टीम की तैनाती की गई है। उसमें मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, थावे, सिवान, छपरा और हाजीपुर स्टेशन का नाम शामिल है। तैनात किए गए स्टैटिक सर्विलांस टीम के लिए SOP भी जारी कर दिया गया है। गोपालगंज की गंडक नदी का देवापुर रिंग बांध टूटने से इलाके में घुसा पानी। गोपालगंज की गंडक नदी का देवापुर रिंग बांध दोबारा टूट चुका है, जिसकी वजह से बाढ़ का पानी एक बार फिर से सिवान जिले के गौरिया कोठी प्रखंड के कई गांव में घुस चुका है। हेतिमपुर पंचायत में सड़क पर बहता बाढ़ का पानी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। प्रखंड के जगदीशपुर, हेतिमपुर, इमिलिया, मोरझामा,
इत्यादि गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिससे स्थानीय लोगों की परेशानी एक बार फिर बढ़ गई है। हालांकि बारिश कम होने की वजह से लोगों को राहत मिली थी, मगर बांध टूट जाने की वजह से परेशानी एक बार फिर उत्पन्न हो गई है। इस साल दुर्गा पूजा में नहीं होगी कोई चहल पहल, त्योहारों का दिन शुरू होने वाला है। दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ पूजा और कई पर्व काफी अहम माने जाते हैं, लेकिन इस बार कोविड-19 के माहौल को देखते हुए सभी लोगों पर पंडालों पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही अब हर साल की तरह इस साल दुर्गा पूजा में विशाल पंडालों की प्रतिमाएं देखने को नहीं मिलेगी। सभी पटना वासियों को माता रानी की पूजा अपने अपने घरों में ही करने होगी। आपको बता दें, कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने पूजा पंडालों और मेले के आयोजन पर रोक लगा दी। आयोजन में 100 से अधिक लोगों को इकट्ठा नहीं होना है। ऐसे में अगर मेला का आयोजन करवाया गया तो लोगों की भीड़ जमा होगी, जिसकी आधिकारिक पुष्टि DM कुमार रवि ने कर दी है। पटना में छात्र क्रेडिट कार्ड के लिए छात्रों ने किया विरोध। जहां सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर कई दावे करती आई है, वहीं बीते दिन पटना की सड़कों पर कुछ और ही नजारा दिखा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में देरी को लेकर छात्र छात्राओं का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिला। इस मामले को लेकर उन्होंने शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। छात्रों के इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री का घेराव करने का प्रयास भी किया गया, जिसके तहत उन्होंने सचिवालय के बाहर सड़क को जाम कर दिया, जिससे सड़क पर आवागमन बाधित हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की, पर बात नहीं बनी तो पुलिसकर्मियों ने बल का प्रयोग भी किया। छात्रों का यह भी आरोप है कि उन्होंने पिछले कई दिनों में क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन दिया है, लेकिन किसी न किसी बहाने उन्हें क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जा रहा है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे ब्रह्मानंद सिंह की। ब्रह्मानंद सिंह का जन्म 3 मई 1965 को बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था। पेशे से ब्रह्मानंद सिंह एक फिल्म मेकर और एक लाइफ कोच है। उन्होंने अब तक पंचम अनबॉक्स्ड कागज की कश्ती और झलकी जैसे कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, जिसके लिए उन्हें REX कर्मवीर चक्र अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इतना ही नहीं, उन्हें अब तक नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट बायोग्राफिकल फिल्म, नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। आपको बता दें, ब्रह्मानंद सिंह ने सेंट जेवियर कॉलेज रांची से अपनी पढ़ाई पूरी की थी, वहीं कोलकाता यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स की डिग्री ली थी। उन्होंने 1993 में सिनेमा की दुनिया में अपना कदम रखा था। 3 दिवसीय दौरे पर आज पहुंचेगी चुनाव आयोग की टीम। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 3 दिवसीय दौरे पर आज चुनाव आयोग की टीम बिहार पहुंचने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार आयोग के सचिव PK शर्मा की तरफ से साझा की गई जानकारी में इस बात की पुष्टि की गई है। इस टीम में उपचुनाव आयुक्त सुदीप जैन, चंद्रभूषण कुमार और आशीष चंद्रा, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के अपर महानिदेशक शेफाली भी, शरण निदेशक शरद चंद्र और साथ ही साथ निदेशक पंकज श्रीवास्तव शामिल रहेंगे। आयोग ने 28 सितंबर तक विधि व्यवस्था सहित स्टेट प्रोफाइल तैयार करने का निर्देश पहले ही दे दिया था। लवली आनंद ने थामा राजद का हाथ। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद और उनके बेटे ने राजद का हाथ थाम लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब सूबे में सियासत तेज हो गई है। पूर्व सांसद लवली आनंद ने अचानक तेजस्वी यादव से मुलाकात की। लवली आनंद राबड़ी आवास पहुंची थी, जहां राजद ज्वाइन कर लिया है उन्होंने। आनंद मोहन की पत्नी और पूर्व सांसद पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफदारी कर रही थी, लेकिन आज बदले हालात में लवली आनंद ने राजद का दामन थाम लिया है। आपको बता दें, चुनाव के वक्त लवली आनंद पूर्व सांसद और हिरासत में बंद बिहार के कद्दावर राजनेता रहे। आनंद मोहन की पत्नी है, वहीं राजद का हाथ थामते उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार धोखेबाज है, झूठ बोलकर सरकार चलाने वालों की पूरी मंडली है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में CBI ने दी अपनी प्रतिक्रिया। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अपना जवाब तलब कर दिया है, जिसके तहत CBI ने कहा कि जांच एजेंसी प्रोफेशनल तरीके से तहकीकात कर रही है और सभी पहलुओं को देखा जा रहा है। CBI ने यह भी साफ तौर पर कहा है कि अभी तक किसी भी पहलुओं से इनकार नहीं किया गया था। CBI का यह बयान ऐसे समय में आया है जब सिंह के परिवार ने कहा है जो आज का फोकस NCB की तरफ मुड़ गया है। पूरी तरीके से जांच सुशांत सिंह राजपूत के मामले में नहीं की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के गृहमंत्री ने भी कहा है कि अभी तक यह नहीं पता चला है कि सुशांत ने अपनी जान ली या फिर किसी ने उनके साथ ऐसा किया। बिहार में पप्पू यादव ने बनाया नया मोर्चा। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नया मोर्चा बना दिया है। पप्पू यादव ने प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन का गठन बीते दिन कर दिया है। इस गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता वाली आजाद समाज पार्टी, MSKG ने नेतृत्व वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और BPL मातंग की बहुजन मुक्ति पार्टी शामिल की गई है। गठबंधन का ऐलान करते हुए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने इसे मानवतावादी और सबको लेकर चलने वाला गठबंधन बताया है। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन 30 साल के महापाप को समाप्त करने के लिए बनाया गया है। 3 से 20 अक्टूबर तक होगी BBOSE 10वीं और 12वीं की परीक्षा। बिहार के मुख्य सचिव ने पटना हाईकोर्ट को बताया है कि बिहार बोर्ड ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन की 10वीं और 12वीं कक्षा छात्रों की परीक्षा 3 अक्टूबर से शुरू होने वाली है और 20 अक्टूबर 2020 को खत्म होगी। इस परीक्षा का रिजल्ट 20 नवंबर से पहले घोषित कर दिया जाएगा। बिहार बोर्ड की तरफ से अदालत को बताया गया है कि जिन छात्रों ने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, उन्हें रिजल्ट की जरूरत है। उनकी परीक्षा को 15 दिनों में लेकर उनके रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी।
IAS द्वारा लिखी गई पुस्तक में विश्व की 100 फिल्मों का है संग्रह। भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी के द्वारा लिखी गई पुस्तक की खास चर्चा हो रही है। नॉट टू बी मिस्ड पुस्तक में दुनिया के 100 बेहतरीन फिल्मों का संकलन किया गया है। इसके साथ ही उन क्षेत्रों की सभ्यता और संस्कृति को भी दर्शाया गया है। भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त रहे अलग अलग भाषा एवं संस्कृति जैसे अंग्रेजी, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, अरेबिक तथा अन्य साहित्य महत्वपूर्ण प्रभावशाली फिल्मों को संकलित किया गया है। फिल्मों के प्रति रुचि देखने वाले लोगों के लिए इस प्रकार के पुस्तक पहले उपलब्ध नहीं थी। बिहार के धरोहर प्रेमियों ने की सरकार से पटना कलेक्ट्रेट को ध्वस्त नहीं करने की अपील। देश भर के धरोहर प्रेमियों ने सरकार से खास अपील की है, जिसके तहत सरकार से सदियों पुराने पटना कलेक्ट्रेट को ध्वस्त नहीं करने की गुजारिश की गई है और कहा गया है कि इस पर अधिक ध्यान देने से सरकार को राजस्व हासिल करने में मदद मिल सकती है। इसे की अधिकतर हिस्सों का निर्माण डच युग में किया गया है। आपको बता दें, बिहार की राजधानी में बने इस ऐतिहासिक स्थल का भाग्य फिलहाल अधर में लटका हुआ है। पटना के बड़ोदरा और दिल्ली से कोलकाता तक के विशेषज्ञों और आम लोगों ने सरकार से एक बार गंगा नदी के किनारे स्थित प्रतिष्ठित परिसर को ध्वस्त नहीं करने की अपील की है। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर इन लोगों ने सरकार से अपील की थी। नीतीश ने की कोर कमेटी की बैठक। पहले चरण का नामांकन शुरू होने में बस कुछ ही समय बच गया है। पटना में जदयू अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसी क्रम में बीते दिन जदयू दफ्तर में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक का आयोजन करवाया था, जिसमें सीट शेयरिंग और इसके बाद टिकट बंटवारे को लेकर वरिष्ठ नेताओं के बीच राय मशवरा हुआ। दूसरी तरफ दिल्ली के डैमेज कंट्रोल में जुटी भाजपा ने लोजपा को 27 सीटों का नया प्रस्ताव दिया है। दिल्ली में डेरा जमाने के बाद पटना पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा 2 दिनों तक दिल्ली में डेरा जमाने के बाद बीते दिन पटना पहुंच चुके हैं। पटना एयरपोर्ट से सीधे उपेंद्र कुशवाहा अपने आशियाना नगर स्थित आवास पर पहुंचे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रालोसपा प्रमुख आज कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब तक महागठबंधन छोड़ने का आधिकारिक ऐलान उन्होंने नहीं किया। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस के शीर्ष नेता उनको मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। राकंपा ने भी अपनी मांग रख दी है। बावजूद उम्मीद है कि थोड़ा इधर उधर करके महागठबंधन 1-2 दिन में सबको एडजस्ट कर लेगा और सीटों की संख्या का ऐलान भी कर दिया जाएगा। तेज प्रताप यादव ने शायराना अंदाज में कसा तंज। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने लिट्टी चोखा खाकर सरकार को निशाने पर लेते हुए शायराना अंदाज में कहा है कि अब धोखा नहीं खाना है। दरअसल उन्होंने बिहार की जनता को नीतीश कुमार के खिलाफ अपना संदेश दिया और कहा है कि क्यों खाना धोखा जब खाने के लिए है लिट्टी चोखा, बूझे कि नहीं बूझे। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि भारत की मिट्टी और बिहार की लिट्टी बेजोड़ है, अतुल्य है। इसके साथ ही उन्होंने लिट्टी का स्वाद लेते लेते बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए उक्त बातें कही है। तेजस्वी यादव ने कुशवाहा को फिर दिया झटका। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही जोड़ तोड़ की राजनीति लगातार शुरू है। उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व को कबूल करने से भले ही मना कर दिया हो, लेकिन उनकी पार्टी के नेता लगातार राजद का दामन थाम रहे। उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी ने कुशवाहा को झटका दिया है और राजद का दामन थाम दिया है। भूदेव चौधरी को राजद की सदस्यता दिलवा दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के उपस्थिति में भूदेव यादव को सदस्यता ग्रहण करवाई गई है। लालू प्रसाद यादव के करीबी इलियास हुसैन के पुत्र फिरोज से जदयू में हुए शामिल। पूर्व पथ निर्माण मंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खास माने जाने वाले इलियास हुसैन के पुत्र फिरोज हुसैन ने सोमवार को जदयू का दामन थाम लिया है। जदयू सांसद आरसीपी सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। इस मौके पर पार्टी प्रदेश कार्यालय में फिरोज हुसैन के कई समर्थक भी शामिल हो गए। इस मौके पर फिरोज हुसैन ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों से प्रभावित होकर जदयू में शामिल हुए, चुनावी मैदान में उतरने और सदस्यता ग्रहण करने की कोई बात नहीं है। इलियास हुसैन के पुत्री डॉक्टर आसमा परवीन पहले से ही जदयू में शामिल है। लोजपा ने अगले 2 दिनों में अपना फैसला बताने की कही बात। लोजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद पृष्ठराज पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगले 2 दिनों में फैसला करने की बात कही है। पार्टी विधानसभा चुनाव में एनडीए में रहकर मैदान में उतरेगी या एनडीए से बाहर होकर, इस पर इन्हीं 2 दिनों में फैसला ले लिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान इस पर निर्णय लेने वाले हैं। उनका स्वीकार करने की बात भी उन्होंने कही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि लोजपा एनडीए से अलग होकर 143 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी या नहीं, इसके बारे में बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि लोजपा बहुत जल्द अपने पत्ते खोलने वाली है। कोविड 19 के माहौल में काम आ रहा है उमंग ऐप। श्रम मंत्रालय ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी और बताया है कि कर्मचारी भविष्य निधि अंशु धारकों के बीच विशेष तौर पर कोविड 19 के दौरान उमंग मोबाइल ऐप काफी ज्यादा लोकप्रिय हुआ है। मंत्रालय ने बताया कि अगस्त 2019 के बाद से ऐप पर 47.3 करोड़ हिट हुए हैं, जिसमें से 41.6 करोड़ यानी कि 88% हिट केवल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सेवाओं को लेकर किया गया है। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक वक्तव्य में बताया गया है कि द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एजुकेशन ऐप काफी ज्यादा पसंद किया गया है। इस ऐप के जरिए कोविड 19 के दौरान उन्हें घर पर बैठकर ही EPF सेवाओं को पाने में सुविधा प्राप्त हुई है।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है उजाला चौधरी, सोनू राजवंशी, मिथुन सिंह, शाहनवाज अहमद, सुबोध कुमार, अरविंद प्रसाद, नीतीश कुमार, ओमकार सिंह, पवन एंटरटेनमेंट, चंदन कुमार, हेमंत राज, शंकर यादव, जलंधर, शेखर रॉय, शंकर कुमार, रवि रंजन कुमार, नीरज कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार चिराग पासवान को एनडीए का साथ देना चाहिए या अलग होकर 143 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करनी चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।